विराट, होलिका दहन कर ताकि तेरे आसपास की जितने भी नेगेटिविटी है तुझसे दूर भाग जाए। खास तौर पर नेगेटिव इंसान। विराट सर, होलिका दहन करने से पहले भगवान जी से अच्छे से प्रार्थना कर लीजिएगा कि वो आपको अच्छे और सच्चे लोगों की पहचान करने की समझ और ताकत दोनों दे। वो क्या है ना, आजकल कौन नेक है और कौन फेक है पता ही नहीं चलता उमी काका। और फिर कई लोग तो बहती गंगा में हाथ धोने का मौका भी नहीं छोड़ते। विराट, ये फालतू लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। आज होली का दहन शुरू करते हैं। ये होलिका नहीं, तुम्हारे अरमानों को जलाने वाली आई है। ये क्या दांत फाड़ रही है? और तेरी ये जो बकवासबाजी है ना, वो बंद कर। क्यों आई है तू यहाँ? दिवाली मनाने। होली का दहन सेलिब्रेट करने का कु? नहीं, यादें बनाने, किसी को हंसाने। अच्छाई की जीत हुई है काकू, जरा स्माइल कीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने पास आने की? किससे पूछ के तू इतना करीब आ रही है? हाँ काकू, पूछ के ना वो लोग काम करते हैं जिनके पास खुद की अकल नहीं होती। और आपको तो पता ही है मैं खुद कितनी अकलमंद हूँ। पर्सनली मेरे पास मेरी बहुत अकल। सही, बड़ी मामे को इसे इधर नहीं आग में धकेल देना चाहिए था। और नहीं तो क्या, हमारी जिंदगी की होली का तो यही है। सही, आज इसका दहन हो जाता अच्छा ही होता। सुना ली काकू, मैंने सब सुना आपने क्या कहा। मैं होलिका हूँ। अच्छा, अगर मैं होलिका हूँ तो फिर आप लोग हुए भक्त प्रहलाद, तो मैं आप लोगों को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, पहले कौन चलेगा? काकू चलो ना, आप चलो पहले। पाखी दीदी, ये आइडिया आपका था ना, तो चलिए पहले आप ही चलिए। आज देखते हैं कौन जलता है और कौन बचता है। आइए आइए। सही, तुम क्यों जानबूझकर पत्र लिखा से पंगे ले रही हो? मैं कब पंगा ले रही हूँ दादा? आपने सुना नहीं वो क्या कह रही है? सही, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तुम वापस लौटकर क्यों आई हो? जहां तक मैं देख रहा हूं ना, तो विराट और ना ही बाकी घर वाले तुम्हें यहां देखना चाहते हैं। और फिर तुम खुद ही विराट को छोड़कर गई थी ना यहां से, तो फिर आज तुम वापस किस वजह से आई हो?
ये बात आप कह रहे हैं दादा? जिस शख्स को आप अभी डिफेंड कर रहे हैं ना, उनकी सच्चाई जानने के बाद आप खुद शादी के बाद ये घर छोड़ के चले गए और तब लौट कर आए थे जब मैं आपको मना कर वापस लेकर आई। ए लड़की, तू समझती क्या है खुद को? तुझ में और सम्राट में बहुत फर्क है। सम्राट इस घर का बेटा है और तू, तू इस घर की कुछ भी नहीं, समझ रहा तुला? तू इस घर की कुछ भी नहीं है। दादा आप चुप क्यों हैं? इस लड़की को इसके औकात और बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते? मुझे इससे कोई बात नहीं करनी। बाबा आपके बात करने या ना करने से सच थोड़ी ना बदल जाएगा कि मैं आपकी बहू हूँ और आप मेरे ससुर जी। कितनी बेशर्म हो तुम सही, खुद को इस घर की बहू और निनाद मामा को अपने ससुर बोलते हुए तुम्हारी जुबान ही लड़खड़ा रही। तुम बेशर्मी नहीं, तुम पत्थर दे लो। विराट मौत को हराकर इस घर में वापस लौट आए और तुम हो के उसे टॉर्चर करने के लिए फिर यहाँ चली आई हो। तुम हमेशा इसकी खुशियों पे ग्रहण लगाने पहुंच जाती हो। अरे मैंने गलती कर दी तुम्हें होली का बोल के, तुम्हें तो राक्षसी कहना चाहिए था। अच्छा आप तो फरिश्ता है ना, फरिश्तों को ना दूसरों के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तुम ये अपनी बदतमीजी अपने पास रखो, ये शरीफों का घर है। मेरी बदतमीजी तो खैर जग जाहिर है, लेकिन ये शरीफों की शराफत मुझे आज तक नजर नहीं आई। खैर मैं आपसे ना फालतू की बहस करने नहीं आई हूँ, मैं तो अपने पति के साथ रहने आई हूँ। विराट तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, तुम प्लीज इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये बस यहाँ हमें और तुम्हें परेशान करने आई है। सही, मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद से तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत परेशान किया है, तो अब यहाँ क्या करने आई हो? और परेशान करना है मुझे? भगवान के लिए प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखिए भगवान जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ आने में, उन्हें ना मैंने मोदक खिलाकर अपनी तरफ कर लिया। और जहां तक रही यहां से जाने की बात, तो मैं इस घर से नहीं जा सकती, उसमें एक प्रॉब्लम है। समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप बताने का कष्ट करेंगी? नहीं कष्ट करूंगी। हाँ अच्छा चलिए बता देती हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरा ना मन नहीं है काकू, मेरे इस घर से जाने का मन ही नहीं, मैं तो यहाँ रहने आई। ए जंगली मुलगी, चुप, एकदम चुप। अगर तुझे पता नहीं है तो मैं तुझे बता दूं, रिश्तों की कदर पैसों जैसी होती है। रिश्ते और पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है और गवाना आसान। रिश्ते तो तू पहले ही गवा चुकी है, इसलिए सवार निवास में आने का ख्याल भी मन में मत लाना। तू कभी भी इस घर में वापस नहीं आ सकती, समझ लो। तुम्हारा इस घर के लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं है, तुम मर चुकी हो हम सबके लिए। यही बात न जाने कितनी बार बोल चुकी है पत्नी का भाभी, ये हमारे लिए मर चुकी कि बार बार वापस लौट कर आ जाती एकदम भूतनी के जैसे। हाँ पागल हो गई हूँ। अभी आप दोनों कह रहे थे ना कि मैं मर गई हूँ, भूतनी हूँ, तो मैं सबूत दे रही हूँ आप दोनों को कि मैं मरी नहीं हूँ, भूतनी नहीं हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ। और मुझे छेड़ोगे तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी, सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। मुझे धमकी मत दो, डरती थोड़ी ना हूँ, है ना आई? घबराहट। बाकी दीदी आप अभी भी यहीं खड़ी है,
आपको मजा आ रहा है क्या? फिर से करूं? पाखी दीदी, आग के बदले आग, तो पिंच के बदले पिंच, थप्पड़ नहीं। आप चाहें तो मुझे पिंच कर लीजिए, ठीक है? कर लीजिए। देखिए, इससे पहले कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं आप सबको ये बता देती हूँ कि मैं यहाँ रहने आई हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।